हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2014 हाजीपुर में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। कौन ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं? इंद्रदेव ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। शोभ मंडल क्या है? शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। धुंध किसका संयोजन है? तो फ्रेंड, धुंध कोहरा और धुएं का संयोजन होता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र सहित संघीय पद्धति को कहां से लिया गया? इसे फ्रेंड्स कनाडा से लिया गया था, कनाडा के संविधान से लिया गया था। रेलवे की झांसी और आगरा मंडल किसके भाग में है? तो झांसी और आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे भाग में आता है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार में नवादा में स्थित है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक डी वी सावरकर हैं। हमारे संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग दो। एगमार्क किससे संबंधित है? एगमार्क गुणवत्ता से संबंधित है। पिक्चर ध्वनि तथा वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहते हैं? तो इनसे बनी आउटपुट को मल्टीमीडिया कहते हैं। डाचीगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक राजनीतिक दल को संसद में विपक्ष का दर्जा तभी दिया जाता है जब इसने कम से कम कितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त कर ली होती है? 10% सीटें। गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर त्स्यांगपो के रूप में जाना जाता है? तिब्बत में। सुनामी किस कारण होता है? सुनामी भूकंप के कारण होता है। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं। बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? बी वाला व्यक्ति बी और एबी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट।